दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी दिल्ली और उसे सटे एनसीआर में न्यूज क्लिक की वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर रेड डाली है। यह कार्रवाई फॉरेन फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत की जा रही है। स्पेशल सेल ने मंगलवार को सुबह सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रेड डाली है। बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई 30 से भी ज्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही है। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिन्हें स्पेशल सेल लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार उर्मिलेश और सत्यम तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। इनके वकील स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंच गए हैं। वहीं पत्रकार अभिसार शर्मा को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लेकर गई है। रेड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क का डेटा भी लिया गया है। कई फाइलें भी जब्त की गई हैं। हमारे चैनल को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद पत्रकार अभिसार शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनके घर से लैपटॉप और उनका फोन ले गई है। यूएपीए के तहत चल रही इस रेड में स्पेशल सेल के 100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। रेड के दौरान इसमें स्पेशल सेल के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी हैं। ये जवान सुरक्षा के लिहाज से स्पेशल सेल की टीम के साथ हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि रेड खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। फिलहाल सभी सीनियर अफसरों को रेड पर फोकस रखने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की छापेमारी यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत की जा रही है। इस एफआईआर में दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। सीपीएम दफ्तर में काम करने वाले श्री नारायण के बेटे सुमित कुमार का मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने जब्त कर लिया है। वह न्यूज क्लिक में ही काम करता है। उसके 36 कैनिंग लेन में स्थित ठिकाने पर छापा मारा गया है। हालांकि सुमित को हिरासत में नहीं लिया गया है। 36 कैनिंग लेन ऑल इंडिया किसान सभा का दफ्तर है। यह घर सीपीएम महासचिव होने के नाते सीताराम येचुरी के नाम पर आवंटित है। रेड यहां रहने वाले सीपीएम दफ्तर के कर्मचारियों के कमरों पर हुई है। सुमित न्यूज क्लिक के दफ्तर में ग्राफिक्स और वीडियो टीम में काम करता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। पुलिस इस इनपुट के आधार पर एक्शन ले रही है जो ईडी ने उसके साथ साझा किया है। ईडी की जांच में 3 साल के अंदर 38 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के फेक विदेशी फंड ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ था। ये पैसे गौतम नवलखा और तिस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को भी दिए गए थे। इन पैसों के लेन देन का खुलासा ईडी की जांच में हुआ था। इसमें एफबीआई के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 38 करोड़ 46 लाख रुपए देने की बात सामने आई थी। चीन से आया हुआ पैसा कुछ विदेशी फर्मों के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा। वहीं ये पैसा न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों को भी दिया गया था। बता दें कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। यह संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को मिली थी। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।